हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यारा तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सेहत का खजाना मल्टीग्रेन आटा, जो कि ग्लूटेन फ्री भी है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मल्टीग्रेन आटा। ये देखिए, ये मैंने हाफ कप राजगिरे का आटा लिया है, जो हम व्रत में खाते हैं राजगिरा, ये वही आटा है। हाफ कप मैंने सोयाबीन का आटा लिया है, हाफ कप मैंने जौ का आटा लिया है, हाफ कप मैंने मक्का का आटा लिया है, हाफ कप मैंने बाजरे का आटा लिया है, हाफ कप मैंने काले चने का आटा लिया है, हाफ कप मैंने रागी का आटा लिया है, हाफ कप मैंने ओट्स का आटा लिया है, 1/4 कप मैंने कूटू का आटा लिया है, कूटू जो हम व्रत में खाते हैं, और ये 2 टेबलस्पून मैंने जो मेथी दाना होता है, मेथी दाने को भून के उसको पीस लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारे ही आटे न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, इन सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये सभी आटे मार्केट में पिसे पिसाए आराम से मिल जाते हैं, और वरना इनको घर में भी पीसा जा सकता है। आप साबुत दालें ले आएँ, इन सभी की साबुत अनाज मिलता है, और वो भी थोड़ा सा धूप लगा के या उसको हल्का हल्का रोस्ट करके मिक्सी में भी आप आराम से पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं। आटा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब मैं आपको इससे आटा गूंद के रोटी बना के बताऊंगी। मैं उसमें से 1 कप आटा ले रही हूँ और इसको गुनगुने पानी से गूंदेंगे। अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं, मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। जैसा हम आटा गूंदते हैं इसको वैसे ही गूंदना है, ना ज़्यादा नरम कर देना है और ना ही ज़्यादा हार्ड गूंदना है। आटा हमारा गूंद गया है, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी, फिर इससे रोटी बनाऊंगी। आटा को 10 मिनट का रेस्ट हो गया है, अब इससे रोटी बनाऊंगी। सूखे आटे से इसको रेस्ट कर लिया है मैंने। इसको थोड़ा बिल्कुल हल्के हाथ से बेलते हैं, गेहूं की रोटी की तरह नहीं, क्योंकि ये साइडों से फटती है थोड़ी थोड़ी, बट आप इसको हल्के हाथ से बेलेंगे तो आराम से बेल जाती है। ये देखिए, जैसे हम फुल्का बेलते हैं उतना ही मैंने इसको पतला बेला है। अब मैं एक और बेलती हूँ। हल्के हल्के तो किनारे इसके फटते ही हैं, अगर ज़्यादा किनारे फट रहे हैं तो इसका मतलब आटा आपका सख्त है, तो आटे को थोड़ा सा पानी लगा के नरम कर लें और लोच लगा लें। अब मैं इनको सेकूंगी। गैस को ऑन कर रही हूँ, तवा गर्म हो गया है, इसके ऊपर रोटी डालेंगे, रोटी की साइड बदल देंगे। ये देखिए, हमारी करारी सी रोटी सिक गई है। ये देखिए, ये भी सिक गई है, अब मैं इनको सर्व करूंगी। ये आटा आप 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। एक बारी में आप आधा आधा किलो भी सब चीज़ें मिला के पिसवा के एक एयरटाइट डब्बे में या अच्छे से साफ़ सुथरे साफ ढक्कन वाले डब्बे में डाल के रख दें, 1.5 महीने तक भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। लीजिए, बन के तैयार है हमारा गुणों की खान मल्टीग्रेन आटा और उसकी रोटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।